हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ। आज के वीडियो में हम करेंगे 50 प्लस एमसीक्यू ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ और ये सभी एमसीक्यू बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लाइफ स्पैन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन क्या रहा? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। विलियम वर्ड्सवर्थ पैदा हुए थे 7 अप्रैल 1770 को और इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1850 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पैदा हुए थे? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कॉकरमाउथ इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ क्लोज फ्रेंड एंड फिलो पोएट। सो कौन विलियम वर्ड्सवर्थ के क्लोज फ्रेंड एंड फिलो पोएट थे इनमें से? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ये इनके क्लोज फ्रेंड और फिलो पोएट थे जिन्होंने इनके साथ लिरिकल बैलेड में भी कोलैबोरेट किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा एक फेमस वर्क नहीं है विलियम वर्ड्सवर्थ का? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ टू द वेस्ट विंड। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं बल्कि पी बी शैली का वर्क है। इसके सिवा तीनों ही विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम का टाइटल क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड कहलाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लिटरेरी मूवमेंट इज विलियम वर्ड्सवर्थ ऑफन एसोसिएटेड विद। विलियम वर्ड्सवर्थ किस लिटरेरी मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, रोमांटिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क इज कंसिडर्ड विलियम वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस। कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ का मैग्नम ओपस कहलाता है, यानी कि मास्टरपीस कहलाता है? मैग्नम ओपस का मतलब होता है मास्टरपीस। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, द प्रिल्यूड जो है वो कहलाता है विलियम वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस, यानी कि मैग्नम ओपस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोइट्री को ऑथर्ड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज। सो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लिरिकल बैलेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम टिंटन एबी। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबी का फुल टाइटल क्या है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13, 1798। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड एज पोएट लॉरेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। सो विलियम वर्ड्सवर्थ को किस ईयर में पोएट लॉरेट अपॉइंट किया गया था यूनाइटेड किंगडम का? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1843 में, और 1850 तक ये पोएट लॉरेट रहते हैं और उसके बाद अल्फ्रेड टेनिसन पोएट लॉरेट बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम दैट बिगिंस विद द लाइन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो ये लाइन आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड से कौन सी पोएम शुरू होती है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, डेफोडल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ्स सिस्टर हु वॉज ऑल्सो अ पोएट। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर का नेम क्या है जो कि खुद भी एक पोएट थी? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ्स व्यू ऑन नेचर। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ का जो व्यू है टुवर्ड्स नेचर उसे डिस्क्राइब करता है? सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नेचर इज अ सोर्स ऑफ सॉलेस एंड स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ
वर्ड्सवर्थ्स लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। सो द प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम पूछा जाता है। सो द प्रिल्यूड को सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इसका सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस दैट इंस्पायर्ड मच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। सो उस प्लेस का नेम क्या है जिसने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को काफ़ी इंस्पायर किया था। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लेक डिस्ट्रिक्ट। और लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट किन्हें कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। सो लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के अंदर आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस इज फ्रॉम अ पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इनमें से कौन सी फ्रेजेस विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम से हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड वॉज पब्लिश्ड विद अ प्रीफेस इन। लिरिकल बैलेड एक प्रीफेस के साथ कब पब्लिश होती है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1800 में। सो फर्स्ट एडिशन आता है लिरिकल बैलेट्स का 1798 में, और इसके बाद सेकंड एडिशन आता है 1800 में जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रीफेस इंक्लूड करते हैं। इसके बाद थर्ड एडिशन आता है 1802 में जिसमें एक अपेंडिक्स पोइटिक डिक्शन करके वर्ड्सवर्थ इंक्लूड करते हैं, और लास्ट एडिशन आता है इसका 1805 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड वन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स मेजर पोइटिक थीम्स। सो इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ की पोइटिक थीम में कंसीडर नहीं किया जाता है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम दैट सेलिब्रेट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की उस पोएम का टाइटल क्या है जो ब्यूटी ऑफ नेचर को सेलिब्रेट करती है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो ये पोएम सेलिब्रेट करती है डैफोडिल्स की ब्यूटी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स द प्रील्यूड बाय वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट। सो वर्ड्सवर्थ की पोएम द प्रील्यूड में टोटल कितनी बुक्स हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 बुक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाय। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स किसकी पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी इज एसोसिएटेड विथ। सो ये फ्रेज एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को डिफाइन किया था दैट पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। सो ये वर्क है टिंटन एबी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो टिंटन एबी को कहा गया है यहाँ पर द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोइट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर वर्ड्सवर्थ लिव्ड विथ हिज फैमिली इन द लेक डिस्ट्रिक्ट। सो वर्ड्सवर्थ के हाउस का नाम क्या था जिसमें वो रहते थे लेक डिस्ट्रिक्ट में। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, डव कॉटेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज नॉट फ्रॉम अ पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इनमें से कौन सी लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की नहीं है। सो ऑप्शन ए है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये भी वर्ड्सवर्थ की लाइन्स हैं। माई हार्ट लीप्स अप, ये भी वर्ड्सवर्थ की लाइन है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम शेक्सपियर्स हैमलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम दैट बिगिंस विद द लाइन माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो। ही आगे है लाइन, और करेक्ट आंसर भी इसका है द रेनबो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम द लाइन अकर्स। सो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में ये लाइन आती है, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है, और ये लाइन आती है ओ टू इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो वर्ड्सवर्थ की पोम का टाइटल क्या है जो फ्लीटिंग नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ के ऊपर बेस्ड है या उसको रिफ्लेक्ट करती है। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ओ टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डेड विलियम वर्ड्सवर्थ पास अवे। सो विलियम वर्ड्सवर्थ पास अवे होते हैं 1850 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की उस पोएम का टाइटल क्या है जो लेक डिस्ट्रिक्ट की ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात करती है या रिफ्लेक्ट करती है। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म्स इज नॉट कॉमनली यूज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। सो इनमें से कौन सा पोइटिक फॉर्म वर्ड्सवर्थ के द्वारा यूज नहीं किया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एपिक वर्ड्सवर्थ के द्वारा यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंग्लिश काउंटी डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ। किस इंग्लिश टेरिटोरियल एरिया में विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन का सबसे अधिकतम समय बिताया था। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, कम्ब्रिया, जिसे कम्बरलैंड भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। इनमें से कौन सा वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो सिंपल लैंग्वेज वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में पाया जाता है, विविड इमेजरी भी होती है, इमोशनल इंटेंसिटी भी होती है, डेंस सिम्बॉलिज्म वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नहीं पाया जाता। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएम द सॉलिटरी रीपर। सो वर्ड्सवर्थ की पोएम सॉलिटरी रीपर का फॉर्म क्या है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैलेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक फॉर्म्स डिड वर्ड्सवर्थ हेल्प टू पॉपुलराइज इन इंग्लिश लिटरेचर। सो वर्ड्सवर्थ ने किस पोइटिक फॉर्म को पॉपुलराइज करने में मदद की इंग्लिश लिटरेचर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बैलेट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लास इज। सो वर्ड्सवर्थ की पोएम सॉलिटरी रीपर में जो सॉलिटरी हाईलैंड लास यानी कि सॉलिटरी हाईलैंड गर्ल जो होती है वो कहाँ की होती है। सो वो होती है स्कॉटलैंड की, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइटिक डिवाइसेस इज नॉट कॉमनली फाउंड इन वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। सो इनमें से कौन सी पोइटिक डिवाइस जो है वो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नहीं पाई जाती है। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, राइम स्कीम। सो राइम स्कीम जो है इसको वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे और उन्होंने ये कहा भी है कि पोइट्री का डिक्शन बहुत सिंपल होना चाहिए, लाइक द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, हु सेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर वर्ड्सवर्थ स्टडीड। उस यूनिवर्सिटी का नेम क्या है जहाँ वर्ड्सवर्थ ने अपनी स्टडीज़ की थी। सो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटररी फिगर वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इनमें से कौन सा लिटररी फिगर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था। सो जॉन केट्स, पी बी शैली, लॉर्ड बायरन, ये तीनों ही रोमांटिक्स थे, ये वर्ड्सवर्थ की पोइट्री से इन्फ्लुएंस थे। और विलियम शेक्सपियर जो कि एक एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट हैं, सो ऑब्वियसली ही विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई वर्ड्सवर्थ्स पोइट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीच गैदरर इज़ अ पोएम बाय। सो लीच गैदरर भी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स। सो ये लाइन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ली गई है। सो ये लाइन है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस से।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, इनमें से कौन सा वर्क विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। सो द थॉर्न विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है, द इडियट बॉय भी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है, बियॉन्ड यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम नहीं है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हूम वर्ड्सवर्थ स्पीक, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी जॉन मिल्टन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लॉस ऑफ अ लव्ड वन। सो विलियम वर्ड्सवर्थ की उस पोम का टाइटल क्या है जो लॉस ऑफ लव्ड वंस को दिखाती है। सो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, VR 7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ द लाइन इज टेकन, अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग। सो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोम से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये ली गई है इमोर्टैलिटी ओड से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, सो लिरिकल बैलेड फॉर द फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी, 1798 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिस वॉज इट इन द डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हैवन, दिस लाइन अकर्स इन। सो ये लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आती है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोम फीचर द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। सो ये फ्रेज विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोम में आती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टिंटन एबी में आती है ये फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन फॉर इट्स लोको डिस्क्रिप्टिव फीचर। सो लोको डिस्क्रिप्टिव फीचर के लिए जानी जाने वाली पोम भी है टिंटन एबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ विजिटेड टिंटन एबी फॉर द फर्स्ट टाइम इन। सो फॉर द फर्स्ट टाइम विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी को कब विजिट करते हैं, 1793 में। और उसके बाद सेकेंड टाइम या रिविजिट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी को 1798 में, जब ये पोम वो कंपोज करते हैं लाइन रिटर्न अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंटन एबी इज लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ डैश रिवर। सो किस रिवर के बगल में टिंटन एबी लोकेटेड था। सो टिंटन एबी वॉज लोकेटेड बाय द बैंक्स ऑफ वाई रिवर। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, टोटल 52 MCQ हमने किए विलियम वर्ड्सवर्थ पर। कैसे लगे आपको ये MCQ, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अपना स्कोर भी 52 में से मेंशन करना ना भूलें। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।